गाइस वेलकम बैक टू यात्रीगण और अभी हम आए हैं आप ब्रह्मपुत्र मार्केट में नोएडा सेक्टर 29 एक्सप्लोर करने के लिए। बॉम्बे भेलपुरी जो सबसे ज्यादा खाने का मन है। ये मैं हूँ, ये मेरे सर हैं और हमने यहाँ पे आगरा चाट भंडार में गोलगप्पे ऑर्डर किया हुआ है, तो लेट्स ट्राई विथ ही गोलगप्पा। यहाँ गोलगप्पे में अनार के दाने भी डाले हुए हैं, ऐसा देखा नहीं मैंने पहले। ये सूजी वाले गोलगप्पे भी आ गए हैं हमारे, अब इसको ट्राई करते हैं। मस्त स्पाइसी है। वेलकम टू बल्ले बल्ले शवरमा और यहाँ पे काफ़ी शवरमा मैंने खाया है, क्योंकि यहाँ का सुनने में आया है कि काफ़ी टेस्टी शवरमा है और मेरा शवरमा भी रेडी हो चुका है। मैं सब इसको टेस्ट करके देखते हैं। फाइनली मज़ा आ गया शवरमा खा के, बहुत ही टेस्ट है और जो इसमें अनियन है और जो फ्लेवर है दोनों प्रॉपर मिक्स है। अदरवाइज जो नॉर्मली दूसरी जगह खाते हैं तो वहाँ पे प्याज अलग समझ में आ गया कि प्याज अलग है, बट यहाँ पे दोनों प्रॉपर मिक्स है। सो आई एम लविंग इट दिस बल्ले बल्ले टीम। तो फाइनली काफ़ी देर से तंदूरी मोमो का वेट करने के बाद यहाँ पे तंदूरी मोमो खाने को मिल रहे हैं हमें। बढ़िया भाई, तुम तो बहुत बढ़िया लगा। आओ हमारे काम खाने, लाजवाब है तंदूरी मोमो। क्या बोल रहे हो? बहुत शानदार बिरयानी, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। यहाँ मेरे पीछे जो आप लखनवी जायका देख रहे हैं, यहाँ सेम प्लेस में आपको वेज और नॉनवेज कबाब खाने को मिलेगा, तो एक ही प्लेस में आके दोनों चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। पहली बार मैंने भी सुना है वेज कबाब, देखते हैं कैसा बनता है। ये वेज लखनवी जायका और सर कस्टमाइज तवा है जो फिर पराठे बनाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। ये लगा और ये है नॉन वेज कबाब। हाँ ये रेडी हो गया हमारा नॉनवेज।
बिरयानी खाने का मन तो हो रहा है लेकिन पेट पूरी तरीके से भर गया है। अभी दिखाता हूँ कितने डिलीशियस दम बिरयानी यहाँ पे मिलेगी खाने को। ये चाय का बिरयानी है यहाँ के रेट ले, और यहाँ पे आपको प्रॉपर दम बिरयानी खाने को मिलेगी, प्रॉपर दम। चाइनीज लवर के लिए चाइनीज काउंटर हो गया हमारा कम्प्लीट, और अभी यहाँ पे रबड़ी फालूदा का ऑर्डर किया हुआ है। आ गया मेरा फालूदा और मचाए धमाल, एक और एक दो, लेट्स गो। खाना खाने के बाद जस्ट प्लान बना कि इंडिया गेट घूम के आते हैं, और हम लोग इंडिया गेट घूमने भी आए, तो अभी देखते हैं यहाँ पे घूमने को तो कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से सारा कुछ यहाँ पे बंद हुआ है, तो जितना दिख रहा है वो मैं दिखा सकता हूँ। और बाकी स्ट्रीट फुल है, और इंडिया गेट देखने के लिए काफ़ी रात के 12 बजे भी काफ़ी लोग घूमने आ रहे हैं, तो स्ट्रीट व्यू में आप आके यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं। बाकी एंट्री तो है नहीं अंदर जाने के लिए। ये मेन राजपथ वाला रास्ता भी बंद है, और यहाँ से जूम करके देखने की कोशिश करते हैं, जो कि 4 गेट्स बनाए गए हैं, फोकस करके देखते हैं। तो इस बार यही दिल्ली गेट में मना रहे हैं। दिल्ली मना रहे हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है।